चलो क्वेश्चन किए थे जी, सब तो करा ही दिए, क्यों? फॉर्मूला याद हो गया था जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइन फॉर्म, कोसाइन फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक आया गया था, क्यों नहीं याद किए हो? उसी से लगेगा क्वेश्चन। पहले याद किए गए मतलब, देखो आज उसको निधि को सोचे गिफ्ट प्राइज दे दिया जाए उसको, लो जी तुम दे देना कल, तुम उसको कह रहे हो तुम अपने रख, हाँ ले रख देना, तुम लोग रख लोगे हाँ, तुम्हारे कॉलेज के क्या, तो तुम क्यों ले रहे हो? नहीं नहीं दे दो, दे दो उसी दे देगी वो, दे देना ले लेना मत। चलो जब भी आके दे देना, इसके पहले भी एक दो बार लाए थे, जब लाते तो आती ही नहीं, अभी पीटेंगे, झूठ नहीं सही बोल रहे हैं। चलो पार्सेवल्स पार्सेवल्स आइडेंटिटी वो टेस्ट में पहला नंबर हासिल किया इसलिए उसको दिया गया है, आप लोग भी इस टेस्ट में देंगे अगर अच्छा नंबर गया तो आप लोग को भी मिलेगा, ठीक है। पार्सेवल्स आइडेंटिटी क्या होता है, देखो इसका प्रूफ अभी आया नहीं, बट ये जो थ्योरम है इसका थ्योरम यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थ्योरम लिखा देते हैं, प्रूफ कभी पूछा नहीं गया और प्रूफ मन करेगा तो एक बार देख लेना, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। तो लिखो ये पार्सेवल आइडेंटिटी फॉर फोरियर इंटीग्रल के लिए क्या कहता है कि इफ एफ एस एंड जी एस, इफ एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस आर फोरियर ट्रांसफॉर्म, आर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स रिस्पेक्टिवली देन देखिएगा क्या रिलेशन है, ये कहता है कि 1/2π इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एस का मॉड का स्क्वायर डी एस इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर डी एस, लिखो इसी का यूज करना और इसी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये एफ एक्स क्या है फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म, एफ एक्स क्या है यहाँ फंक्शन है, ये एक रिलेशन है, ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। पूछा जाता है, प्रूफ कभी पूछा गया नहीं इसलिए नहीं करा रहे हैं, बस थ्योरम स्टेटमेंट ये जो रिलेशन है इसी की मदद से हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लिखते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन है देखिएगा, कह रहा फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स डिफाइंड बाई कैसे डिफाइंड किया गया है कि एफ ऑफ एक्स वन कब मॉड एक्स की वैल्यू ए से लेस हो और ये मॉड एक्स की वैल्यू
इससे ग्रेटर हो, ऐसा क्वेश्चन तो कराए थे। एंड हैंस प्रूव दैट, एंड हैंस प्रूव दैट, उसके बाद में दिखाइए कि क्या रहा, क्या प्रूव करना है कि जीरो से लेके इन्फिनिटी साइन ए स्क्वायर एक्स, साइन ए स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स की जो वैल्यू हो किसके इक्वल हो, पाई बाय टू, लिख लो। ये कंप्लीट क्वेश्चन, जो भी हम लोग पढ़ेंगे सारे सब इम्पोर्टेंट हैं। टेस्ट कब है इसकी? संडे को। एक्स है, एन कहाँ से आ जाएगा? साइन ए स्क्वायर एक्स, इसी को हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है, लिख लिए। अब देखिएगा ध्यान से, ये वाला पार्ट हम लोग निकाले हैं इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफर, पहला क्वेश्चन ही कराए थे, याद करो क्या आया था इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म, क्या आया था? पलटो नहीं लाए हो क्या कॉपी? अरे बुक का भी पहला एग्जाम्पल था, मिटाएं, लिख लिए सभी लोग? रिलेशन भी लिख लिए? चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। मिला अभिषेक? क्या आया था? हाँ उस फंक्शन का फूरियर, हाँ टू बाई एस साइन एस ए या ए एस जो भी, ठीक है, सेम क्वेश्चन कराया गया। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन का पहले निकाला गया है तो हम लोग यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी को कि फिर से निकलाएं? नहीं ना, हो जाएगा। उसके बाद में जो हम लोग को प्रूव करना है उसको करते हैं। तो क्या लिखेंगे? वी नो दैट द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन फंक्शन बाय प्रीवियस एक्सरसाइज, लिख लीजिएगा, ठीक है। वी नो दैट सॉल्यूशन, वी नो दैट प्रीवियस एक्सरसाइज में कराया गया, पहला क्वेश्चन था या दूसरा क्वेश्चन कराया गया था? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कराया गया था, ठीक है। द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, द क्या हुआ, द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स इज, क्या फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एक्स, और ये क्या आया था जी, साइन एस ए, और इसी को हम एक यही मान लेंगे, ठीक है। अब इसी का हेल्प करके हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है, यूजिंग पार्सेवल आइडेंटिटी। अभी रुक जाओ, लिखो मत, अभी समझो। यूजिंग पार्सेवल आइडेंटिटी, क्या भी लिखे हैं, यूजिंग पार्सेवल आइडेंटिटी वन बाई टू पाई माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी मॉड
या पहले उल्टा लिख दे रहे हैं, उल्टा मतलब ये मॉड एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, और इधर क्या कर दे रहे हैं वाई, पलट सकते कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को? पार्सेवल आइडेंटिटी को लेफ्ट लेफ्ट को राइट में लग दिया, राइट को लेफ्ट में, ठीक है। अब देखो इसको फिर हम लोग ब्रेक करते हैं, ब्रेक करेंगे कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से लेके ए, माइनस इन्फिनिटी पे ए, और देखो क्या लिखेंगे एफ एफ एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन है इसको हटाना है यहाँ से, अब कहाँ से फिर ब्रेक करेंगे ए से ले, सॉरी हाँ माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस ए, क्या क्या लिखा रहा, माइनस ए से और फिर ए से लेके और वन बाई टू पाई माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ देखो इसमें जब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाले थे तो इस इंटरवल में जीरो हुआ था। अरे भाई पहला देखो जब अरे जो फंक्शन का जो फंक्शन दिए हैं इस इंटरवल में जीरो होगा और इस वाले इंटरवल में भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन को जब ब्रेक किए थे तो इस इंटरवल में क्या हुआ था, जीरो, इस पे जीरो, तो यहाँ से ये डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी लेके माइनस ए जीरो, यहाँ डी एक्स छूटा है, और इसमें इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वन, वन होगी ना, तो वन का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जो ऐसे जीरो का स्क्वायर, यहाँ भी जीरो का स्क्वायर डी एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, टू बाई एस, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, फोर बाई एस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए एस टी एस, कोई दिक्कत? टू पाई को देखो पहले इसको लेफ्ट में लिख रहा है ऐसे माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी फोर बाई एस स्क्वायर साइन स्क्वायर एस ए डी एस, और टू पाई को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, टू पाई माइनस ए से लेके ए वन स्क्वायर डी एक्स, कोई दिक्कत? लिख लो, कुछ छूट रहा है क्या? सही तो है, लिखो। ये वाला जब फंक्शन को ब्रेक किए थे वही जैसे हम लोग फंक्शन का ब्रेक करके फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालते थे, ऐसे सिमिलरली ब्रेक करोगे तो ये वैल्यू जीरो दे देगा इस इंटरवल में, फंक्शन के वैल्यू जीरो, यहाँ खाली बचेगा वन। अब लेफ्ट को पहले राइट हैंड साइड को पहले लिख दिया लेफ्ट में, और ये जीरो बाकी ये वन के साथ शिफ्ट हो गया है, ठीक है।
हो गया ऊपर का मिटा देना, दो चार लाइन मिटा दे उसमें ताकि सॉल्व हो जाए कंप्लीट। बस हो गया है, एक दो लाइन और है। चलो देखो इधर देखो, फोर कॉमन कर लो जी, क्योंकि कांस्टेंट बाहर कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। और ये क्या होगा साइन स्क्वायर एस ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मन करेगा तो, एस स्क्वायर डी एस। और देखो टू पाई, इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, एक्स अपर लिमिट रखोगे लोअर लिमिट रखोगे क्या आ जाएगा टू ए। अरे वन का स्क्वायर है वो तो कांस्टेंट है ना, कर दे क्या टू पाई, इसका इंटीग्रेशन करोगे एक्स और ये क्या होगा माइनस ए ए, तो ये क्या आ जाएगा फोर पाई, सॉरी फोर पाई ए। ठीक है तो क्या हो जाएगा टू, ऐसे लिख दे रहे डायरेक्ट टू पाई इंटू टू ए, ये क्या होगा फोर पाई ए, फोर पाई से फोर पाई कैंसिल, फोर से फोर कैंसिल, तो ये क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एस ए अपान एस स्क्वायर डी एस इक्वल टू क्या होगा पाई ए। कोई दिक्कत प्रूफ में क्या करना था, नहीं नहीं प्रूफ में जीरो से इन्फिनिटी करना था। ठीक है चलो आप देखो यहाँ से मिटाएं इसको जी, नीचे वाला मिटा दें अभी लिखना मत। आप देखो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी लेके फिर पहले कैसे करते थे, ये चेक करते थे इवन फंक्शन है कि ऑड है, एस के जगह माइनस एस रखेंगे नो चेंजिंग तो इवन, उस केस में ये लिमिट टू टाइम्स ऐड हो जाएगा और एक जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा। फाइनाइट में करके दिखाए थे लिमिट लेके याद होगा, तो हम अब लिमिट उमिट नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे एस के जगह माइनस एस रखो पहले, ये स्क्वायर फंक्शन ये भी स्क्वायर तो हमेशा इवन ही देगा। ठीक है ये इवन रहेगा तो ये टू टाइम हो जाएगा जीरो से लेके इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एस ए अपान एस स्क्वायर डी एस पाई ए। ठीक है अब देखो टू को भी भेज दो उधर, जीरो से लेके इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एस ए अपान एस स्क्वायर डी एस, ये क्या होगा पाई ए बाई टू। ठीक है वैन अब इसको एक्स में कन्वर्ट कर दो वेरिएबल को, साइन स्क्वायर एस ए एक्स अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स वैन ए बराबर वन, पार्टिकुलर वैल्यू ले लिए तो देखो क्या आएगा जीरो से लेके इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, प्रूफ क्या करना था हम लोग को, प्रूफ हम लोग क्या लिखाए थे, हाँ तो यही प्रूफ हो गया है ना, यही प्रूफ हो गया है, जब पार्टिकुलर एक ही वैल्यू ले लेंगे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर ऐसे पूछेगा साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स तो यहाँ तक प्रूफ करेंगे फिर ए बराबर क्या रख देंगे वन। ठीक है लिख लो प्रूफ हो गया, आगे का एक स्टेप बता दिए हम। समझ में आया, बहुत आसान है कुछ है नहीं।
हो गया जी। मिटाएं आसान था कि नहीं? सारे आसान हैं। आज ये भी खत्म हो जाएगा, हम लोग आज सीरीज भी पहुंच जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। कह रहा कि यूजिंग फोरियर इंटीग्रल, देखो ट्रांसफॉर्म नहीं पूछ रहा है, इंटीग्रल कह रहा है। यूजिंग फोरियर इंटीग्रल, तो इंटीग्रल के लिए साइन फॉर्म, कोसाइन फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखवाए थे, ठीक है? और ट्रांसफॉर्म अलग होता है, इंटीग्रल अलग होता है। यूजिंग फोरियर इंटीग्रल सो दैट, देखो फोरियर इंटीग्रल कह रहा है कि दिखाइए कि यूजिंग फोरियर इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस ए एक्स टू पाई बाई टू ए अपान पाई जीरो से लेके इन्फिनिटी कॉस लैम्डा एक्स अपान लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी लैम्डा, जहाँ ए ग्रेटर देन जीरो और एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये प्रूव करना है, ठीक है? सॉल्यूशन देखो, लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है डी लैम्डा, कोई दिक्कत किसी को? तो सबसे पहले कुछ करना नहीं है, सबसे पहले देखो प्रूफ में जो है कौन सा टर्म है, कास का, तो हम लोग किसका इंटीग्रल फार्मूला लेंगे, कोसाइन फॉर्म, ठीक है? वी नो दैट फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला ऐसे बाई फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला, कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला, कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला एफ ऑफ एक्स क्या होता है जी, टू बाई पाई होता है ना, जीरो से लेके इन्फिनिटी, जीरो से लेके इन्फिनिटी, और क्या होता है एफ टी, कॉस एस टी और कॉस एस एक्स डी एस डी टी, कोई दिक्कत? इतना बड़ा फार्मूला होता है, ठीक है? अब हियर गिवन दैट, हियर क्या है, हियर गिवन दैट यहाँ फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, ई पे पावर माइनस ए एक्स, तो एफ टी क्या होगा जी, ई पे पावर माइनस ए टी की नहीं हो, अरे एफ एक्स दिस, तो एक्स की जगह टी रखोगे तो वही मिलेगा, अब रख दो सारा वैल्यू उठा के, तो क्या होगा ई पे पावर माइनस ए एक्स टू बाई पाई इंटीग्रल जीरो से लेके इन्फिनिटी, इंटीग्रल जीरो से लेके इन्फिनिटी, एफ टी क्या लिखेंगे, ई पे पावर माइनस ए टी कॉस एस टी, कॉस एस टी ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस एस टी कॉस एस एक्स डी एस डी टी, ठीक है? ई टू द पावर माइनस ए एक्स टू बाई पाई, देखो इधर से ये इंटीग्रल जाएगा और उधर से ये आएगा, इधर से फर्स्ट इंटीग्रल पढ़ोगे भी ऐसे फर्स्ट ईयर में, और इधर से पहला वेरिएबल कौन सा आएगा, डी टी अंदर आएगा और ये इंटीग्रल, ठीक है, शिफ्ट होगा यहाँ, तो जीरो से लेके इन्फिनिटी, इसको ऐसे लिख सकते हैं जीरो से लेके इन्फिनिटी ई पी पावर माइनस ए टी कॉस एस टी, और क्या होगा यहाँ डी एस होगा, डी टी और फिर डी एस,
इधर से पहला इंटीग्रल और अरे dt का टर्म है तो dt वाला ही आएगा ना। ठीक है, अब देखो 2 बाई पाई जीरो से लेके इन्फिनिटी, ये कुछ फॉर्मूला बन जाएगा क्या? a अपान ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर क्या हो जाएगा? अरे एक टर्म तो छूट रहा है ना, cos एस एक्स डी एस, cos एस एक्स डी एस लिखो। बस हम लोग प्रूफ के नज़दीक पहुंच गए हैं, फैन ऑन कर दे। काजल चलो अब एक ऐसे तुम लोग कर लोगे, चलो करके दिखाओ। एक कहे सर खजुला रहे हो, नहीं समझ में आ रहा क्या? आ गया टेस्ट खराब गया इस बार, तो तुम्ही से पार्टी लिया जाएगा। ठीक है, मतलब तुम ही सबको खिलाओगे। हाँ अच्छा, क्या खिलाया? हमको तो नहीं खिलाया तुम। अरे नहीं रहने दो, खर्चा तुम्हारा हो जाएगा। खर्चा तुम्हारा हो जाएगा खैर, चल कोई खुशी की बात है तो खिलाओ ऐसे। अच्छा कब है? चलो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, तुम बताए भी नहीं। तो तुम लोग खा लिए कुछ? गिफ्ट उफ्ट दिए हो? अच्छा कल है, अरे एडवांस, हमको लगा कल था। तो एडवांस में भाई तुमको, चलो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, बिलेटेड तुम लोग बुलवा दिया, हमको लगा कल है था। देव और तुम पहले से ही अभी अभी खाने के लिए क्या है पहले बताओ। तुम अभी, तुम्हारा बर्थडे कल है और तुम अभी से पार्टी स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा पैसा होगा। चलो ऑनलाइन वालों को नहीं खिलाओगे? ग्रुप में भी मिठाई उठाई दे दो, सबको खा लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? मिठाएँ सोच लो अभी कि लिखने में कितना टाइम लगता है, मिटाने में कितना कम समय। तो ऐसे हम लोग क्या हुआ? हाँ तुम लोग पढ़ो अच्छे से, पढ़ने में याद करने में बहुत टाइम लगता है, भूलने में नहीं टाइम लगता। तो इसीलिए अभी 10 दिन लगातार नहीं, मतलब 10 दिन पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ, कुछ भी ना पढ़ो, देखो सब भूल जाएगा किनारे से।
रेगुलरिटी होनी चाहिए। चलो यहाँ से देखो, e टू द पावर माइनस ए एक्स, इसको a को बाहर करते हैं, 2a बाई पाई जीरो से लेके इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा जी, cos s ऑफ x, और ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर डी एस। लैम्डा रख तो जहाँ जहाँ, क्योंकि लैम्डा में पूछा है, प्रूफ हो गया कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, लो प्रूफ हो गया। अब एक तुम लोग करो, कल कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए पूरा फोर ईयर, ठीक है। हाँ सीरीज भी ये ख़त्म हो गया सेकंड, बस एक दो क्वेश्चन और बताना है, और अभी कुछ फाइनाइट फोर ईयर को साइन निकालने के लिए बता देंगे। कौन सा ये वाला तो प्रूव करना है, ये तो क्वेश्चन का ही। ये देखो कुछ नहीं किए हैं, ए कॉन्स्टेंट है बाहर कर लिए हैं, 2a अपन पाई जीरो से इन्फिनिटी इसको ऊपर कर दिया, cos s x अपन a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर डी एस। अब जहाँ जहाँ s है, क्योंकि कोई भी हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी वेरिएबल को चेंज करो तो इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो s को किससे रिप्लेस कर दिया, लैम्डा, क्यों, क्योंकि हमको लैम्डा पे प्रूव करना था। तो जहाँ जहाँ s है वहाँ देखो cos लैम्डा x, और यहाँ s है तो यहाँ लैम्डा रख दिए, और डी एस है तो डी लैम्डा हो गया बस, ठीक है। नेक्स्ट एक ऐसे है, सेम साइन पे प्रूव करना है, मतलब पहले हिंट दे दिए हैं, साइन इंटीग्रल फार्मूला लेके चलना आप लोग को और प्रूफ करना है, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। जाके सारा क्वेश्चन खुद से लगाओ फिर से, जो पढ़ाए हैं वो भी, और जो नहीं पढ़ाए हैं मतलब जो एक आध छूटा है वो भी, ठीक है। क्योंकि इन सब क्वेश्चन, ये थ्योरम्स नहीं है, इन सब क्वेश्चन तो तुम लोग कर सकते हो यूजिंग फोरियर इंटीग्रल मेथड। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग फोरियर इंटीग्रल मेथड, यूजिंग फोरियर इंटीग्रल मेथड प्रूव दैट दिखाइए कि ए टू द पावर माइनस ए एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस बी एक्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान पाई जीरो से लेके इन्फिनिटी u साइन यू एक्स अपान यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी यू। चलो प्रूफ करो, सभी लोग लग जाओ, वेयर a ग्रेटर देन जीरो बी ग्रेटर देन जीरो, वेयर अब इससे थोड़ा एक काम कर दो, पानी लेते, चलो लगा दो। देखो इधर देख लो, सबसे पहले क्या दिया, फंक्शन दिया है ना, अरे यही तो फंक्शन दिया है, एफ एक्स
किसमें प्रूव करना है? साइन में, तो साइन को साइन इंटीग्रल फॉर्म लिखेंगे, साइन का इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है। तो क्या होता है लिखो, हम देख रहे हैं। हाँ लिखो, सॉल्व करो। हो जाएगा काजल? बहुत आसान है जी, अभी देखना तुरंत हो जाएगा। तुम्हारी राइटिंग तो बहुत अच्छी है, तभी तुम मेरा कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम रहने तो हम ले लेंगे। आओ देखो बाबू, ये फंक्शन दिया है, प्रूफ करना करना है साइन पे, तो साइन पर लेके चलो, आ जाएगा अपने आप। सभी लोग ट्राई करें, बहुत आसान है। पूरा है ना, ई टू दी पावर माइनस ए एक्स माइनस, ये दोनों हैं, एक ही थोड़ी है, माइनस बी ई टू दी, हाँ अभी एफ टी जब होगा तो जहाँ जहाँ x है तो वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, वेरी गुड। सॉल्यूशन हियर ऐसे बाय साइन इंटीग्रल फार्मूला एफ ऑफ एक्स टू बाई पाई जीरो से लेके इन्फिनिटी, जीरो से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ टी का सॉरी साइन साइन एस टी साइन एस एफ क्या होगा, डी एस डी टी। हियर हियर एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस बी एक्स, देन इम्प्लाई दैट जो एफ ऑफ टी होगा ई टू द पावर माइनस ए टी माइनस माइनस बी टी, ठीक है। नाउ इसमें रखेंगे सारी वैल्यू, देन जब इसमें सारी वैल्यू रखेंगे तो ई पी पावर माइनस ए एक्स माइनस माइनस बी एक्स टू बाई फाई जीरो से लेके इन्फिनिटी, जीरो से लेके इन्फिनिटी ई पी पावर माइनस ए टी ई पी पावर माइनस बी टी साइन एस टी साइन एस एक्स डी एस डी टी, फिर ये इंटीग्रल ये डी टी इधर से आएगा, ये इंटीग्रल इधर शिफ्ट होगा, दैट मीन्स टू बाई पाई ब्रैकेट लगाएंगे जीरो से लेके इन्फिनिटी, सॉरी ये यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और ये क्या होगा जीरो से लेके इन्फिनिटी ई पी पावर माइनस ए टी माइनस ई पी पावर माइनस बी टी, और यहाँ क्या होगा साइन एस टी और ये डी टी, फिर ब्रेकेट क्लोज्ड और यहाँ क्या होगा साइन एस एक्स डी एस।
अब इसको अलग अलग करो, ये अलग अलग हो ना, इंटीग्रल एक बार माइनस ई पे पावर माइनस ए टी साइन एस टी डी टी, फिर इंटीग्रल ई पे पावर माइनस बी टी साइन एस टी डी टी, फिर वो फॉर्मूला ऊपर का मिटा दे। लगाओ हाँ, क्या क्या लिख रहे हो? एक इंटीग्रल तो यही है, तो एक इंटीग्रल कहाँ गायब कर दी? अरे एक इंटीग्रल तो यहाँ है, एक अंदर है ना, तो अंदर वाला कहाँ करी हो? एक कहाँ गायब कर दिए? एक एक इसके अंदर रहेगा, यहाँ 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 अंदर बनाओ इसके। हाँ, जीरो से लेके इन्फिनिट है। हाँ अब सही है। अब हाँ यहाँ लिखो ये वाला टर्म ई टू द पावर माइनस बी टी साइन एस टी। हाँ साइन एस टी, हाँ एस टी लिखी नहीं हो क्या? डी टी ये क्वेश्चन दिए करने के लिए तुम लोगों के। देखो हो गया, देखो दीपांजलि का नहीं हुआ है। टू बाई पाई जीरो से लेके इन्फिनिटी, इसमें एक बार इंटीग्रल अंदर करेंगे जीरो से लेके ई पी पावर माइनस ए टी साइन एस टी माइनस डी टी माइनस इंटीग्रल जीरो से लेके इन्फिनिटी ई पी पावर माइनस बी टी साइन एस टी डी टी, और यहाँ क्या रहेगा? साइन एस एक्स डी एस, ये रहेगा ना। अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इसीलिए फार्मूला लिखवा दिए। देखिए यूज होगा इसका फार्मूला क्या होगा? एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या होगा? माइनस एस अपान एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एस एक्स डी एस। ठीक है, अब देखो टू बाई पाई जीरो से लेके इन्फिनिटी, ये क्या होगा? एस क्यूब प्लस बी स्क्वायर एस क्यूब माइनस ए स्क्वायर एस, और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एस एक्स डी एस। ठीक है, मिटाएं। अब देखो टू बाई पाई जीरो से लेके इन्फिनिटी एस क्यूब कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा? दोनों तरह एस कॉमन करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा? एस, और अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एस एक्स डी एस। प्रूफ किस में करना है? e पे पावर माइनस ए एक्स माइनस ई पे पावर माइनस बी एक्स, तो जहाँ जहाँ s है वहाँ क्या रख देंगे? u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन यू एक्स डी यू। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था ना, कितना आसान। ठीक है, लिख लो दीपांजलि। अब
ये तो हम लोग फोरियर इंटीग्रल फार्मूला, एक फार्मूला और लिखाए थे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, उससे कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखो जब भी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में एल लिखाए होंगे, एल, अरे भाई एल जीरो से एल लिमिट इंटीग्रल का, एल क्या है, लिमिट है। तो जब क्वेश्चन दिया रहेगा एल नहीं दिया रहेगा तो एल के जगह पर आप लोग क्या लेके चलेंगे, पाई, क्या लेंगे। हाँ अभी बता रहे हैं, जैसे क्वेश्चन अब तुम्ही लोग करना है, इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, कर लोगे ना, एक छोटा छोटा दो क्वेश्चन एक करा देते हैं फिर तुम बेटा जी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फाइंड फाइनाइट फाइनाइट फोरियर एंड फोरियर फाइंड फोरियर फाइंड फाइनाइट दिया ना, फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो जब भी फाइनाइट देगा तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे, एल वाला, लिमिट जीरो से लेके एल जो था, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ऑफ पहला जो फंक्शन है फर्स्ट नंबर का, ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, फंक्शन है एक्स स्क्वायर कब, जब एक्स की लिमिट कहाँ हो, जीरो से पाई, पाई इसमें नहीं दिया है, इसमें लिमिट दे दिया है। और दूसरा फंक्शन है वन, इसमें लिमिट दिया है जीरो से एक्स से लेके पाई, ठीक है। तो एक हम बता दे रहे हैं, अरेंज कर दे रहे हैं कैसे लगाना है, बाकी तुम लोग तो कर ही जाओगे, ठीक है। तो क्या फार्मूला होता है बताओ, क्योंकि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है फोरियर फाइनाइट से। तो वी नो दैट फोरियर साइन, पहले साइन लिख लेते हैं एफ सी ऑफ एफ एक्स, क्योंकि फाइनाइट है तो ये क्या देगा, एफ एस एन, एन लिखवाए होंगे फाइनाइट में। और लिमिट क्या था जी, जीरो से लेके क्या था, एल, और यहाँ क्या था एफ एक्स, और यहाँ क्या था एन पाई एक्स बाई, यही था ना। कॉस में जहाँ जहाँ एस है वहाँ सी हो जाएगा, और वहाँ साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस। अब वैल्यू एक हम निकाल दे रहे हैं, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला निकाले, फर्स्ट ही वाला तुम लोग निकालोगे, सेकंड वाला हम निकालेंगे, ठीक है। क्या दिक्कत, जीरो से लेके मेहनत करवाओगे हमसे। एल की वैल्यू क्या दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, अरे भाई हद है। देखो इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट, इसको दो बार करोगे तो खत्म हो जाएगा एक्स, तीसरी बार में बाई पार्ट है, चलो करो। तो जो जो करना है नोट कर, मैं लिख दे रहा हूँ, एक्सरसाइज जाके पूरा कर लीजिएगा जितना कर पाए, क्योंकि देखो फोरियर में एक्सरसाइज कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक्सरसाइज कर लीजिएगा ताकि आप लोग का हो जाए। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, तीन तीन तरह के फॉर्म पढ़ाए हैं, कौन कौन सा, एक फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो जब फोरियर ट्रांसफॉर्म और जो प्रूव करेगा उसके क्वेश्चन करा दिए हैं, एक क्या था कि इंटीग्रल साइन फॉर्म, तो कौन सा, डबल इंटीग्रल वाला, और ये कौन सा है, फाइनाइट,
लिखा है फाइंड फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म। मिला दीपांजलि? नहीं मिला अभी। हाँ इसको कैसे बाय पार्ट करोगे? करो तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, मैं आप लोग को नोट कर देना कितना क्वेश्चन कराया हूँ। जो जो क्वेश्चन बुक का आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें हमारा जो जो हमारे बुक का पुराने वाले बुक का है एग्जाम्पल आप लोग 16 करके आइए, बहुत आसान है, सेम वैसे कराए हैं एग्जाम। क्या एग्जाम्पल 17 न्यू बुक लाए हो? मन करेगा 18 कर लेना, 18 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो करवा यही दिए हैं ठीक है। और 19-20 तो अभी बता देंगे बस ख़त्म, और एक्सरसाइज ठीक है, एक्सरसाइज जो भी है एक्सरसाइज कर लीजिएगा। और एग्जाम्पल नंबर 20 4-5 क्वेश्चन जाके कर लीजिएगा, और ये एक्सरसाइज इसके बाद ये ख़त्म, हम लोग सीरीज पे आ जाएंगे। एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, हो जाएगा ना, दो बार इंटीग्रल करोगे भाई, सिंपल सी बात है। इसको फर्स्ट इसलिए लिए हैं कि दो बार के बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ दो बार डिफरेंशिएशन करोगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, फार्मूला भूल गई इंटीग्रेशन वाला, चलो लिखो देखते हैं। नहीं फर्स्ट को छोड़ते हैं, फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन लिखी हो क्या? हाँ लिखो, हम बोल दे रहे हैं फर्स्ट का, फर्स्ट छोड़ो सेकंड का इंटीग्रेशन, 0 से लेकर 4 साइन एन पाई बाई 4x एक्स डी एक्स लिखो, फिर माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाओ खूब, हाँ फिर ब्रैकेट लिखो। अब डिफरेंशिएशन किसका? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ऐसे देखो, अरे भाई यू इंटू वी है ठीक है, और मान लो इसको डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये अगर फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट को छोड़ते हैं ठीक है, और किसका इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस बड़ा सा इंटीग्रल लगाएंगे और यहाँ ब्रेकेट ठीक है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर ब्रेकेट क्लोज यहाँ डी एक्स, आया कि बताना पड़ेगा? ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, इतना क्वेश्चन करना है खुद से, और नहीं आएगा तो हम बताएंगे। चलो भाई इसको पूरा करा देते हैं। देखो इसका एक्स स्क्वायर छोड़ेंगे, साइन एन पाई बाई 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एन पाई बाई 4x, और यहाँ क्या आ जाएगा अपान में, इंटीग्रेशन में जो कोफिशियंट रहता है वो कहाँ आ जाता है, डिनोमिनेटर में ठीक है। ये क्या होगा, 0 से लेके 4 माइनस इंटीग्रेशन 0, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर इसका करेंगे वही माइनस इंटू माइनस में कॉस एन पाई बाई 4x अपान एन पाई बाई 4,
dx। अरे ये एक्स स्क्वायर भी अंदर रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट अंदर पूरा। अब देखो ये 4/n π लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट ये क्या होगा माइनस 16 कास एन बराबर एक्स बराबर जब 4 रखेंगे 4 से ये एन पाई माइनस ये जीरो पूरा पूरा जीरो कर देगा, तो ये मिलेगा आपका। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस करेगा 4/n π ये माइनस प्लस जीरो से लेके 4 और 2 को इधर भी भेज दो तो 8/n π होगा और ये क्या हो जाएगा एक्स कॉस एन पाई बाई 4 एक्स डी एक्स। फिर 4/n π माइनस 16 कॉस एन पाई को लिख सकते हैं माइनस कॉस एन पाई रहने दो 8/n π। फिर इसका वही सेम फंडा, फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डिफरेंशिएशन तो इंटीग्रेशन तो साइन एन पाई बाई 4 एक्स अपान एन पाई बाई 4 और ये लिमिट लग जाएगा 0 से 4। फिर इसका इंटीग्रेशन साइन इसका साइन इसका डिफरेंशिएशन 1 और कास का इंटीग्रेशन साइन एन पाई बाई 4 एक्स अपान एन पाई बाई 4। थोड़ा लेंदी है बट आसान है, ये फाइनली मिला। अब ये इक्वल टू 4/n π माइनस 16 कॉस एन पाई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 32 8 4 32 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, सब बाहर कर दिए। अब ये इसका लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा 4 sin n π, ये तो जीरो कर देगा और ऑलरेडी जीरो दिस ये ऑलरेडी जीरो और इसका यहाँ कुछ बचेगा नहीं, बाहर करेंगे तो ये फिर क्या होगा प्लस में cos n पाई बाई 4 एक्स और साइन का cos हो जाएगा अपान n पाई बाई 4 और इस पे लिमिट लगा देंगे 0 से लेके 4। 4/n π माइनस 16 कॉस एन पाई, थोड़ा लेंदी है कैलकुलेटिव है बट बहुत आसान है। साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है 0। साइन ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा और फिर 32/n² π² फिर 4/n² sorry n/π 4n। अब इसका जब लिमिट रखेंगे तो क्या होगा cos 4 कैंसिल हो जाएगा cos n π माइनस cos 0 ये आया 4/n π माइनस 16 कॉस एन पाई और प्लस ये कितना होगा 8 और 4 2 8 4 3 12 1n³π³ cos n π माइनस 1 और cos n पाई की वैल्यू होती है माइनस 1 to the power n। तो फाइनली ये जो मिलेगा आया तुम्हारा काजल ये आएगा माइनस 16 और इसकी वैल्यू होती है माइनस 1 to the power n
और ये होगा 128 अपॉन एन क्यू पाई क्यू माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन कॉस एन पाई की वैल्यू देखो माइनस वन टू द पावर एन क्यों होती है, क्योंकि जब एन पाई एन वन होगी जब एन इवन होगा, एन इज इवन और माइनस वन जब एन इज ऑड, इसीलिए कॉस एन पाई की वैल्यू माइनस वन टू द पावर एन होती है। अब माइनस यहाँ छिपा हुआ है तो इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, तो फोर अपान एन पाई माइनस, इसको माइनस यहाँ करेंगे तो माइनस ऐसे लिख सकते हैं 16 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 64 अपान एन पाई इंटू माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन, और प्लस में 128 अपान एन क्यूब पाई क्यूब माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन। देखो कैलकुलेशन में कहीं अगर मिस्टेक भी होगी तो कोई बात नहीं, तुम लोग क्या हुआ आ गया सही है। आ गया सही है, इतना आएगा लिख लो उसके अंदर चले जाओ चुपचाप। Yeah.